Hey friends, subscribe to my channel and also press this bell icon so you never miss any new updates whenever we upload new videos. हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे और सेफ होंगे। आज मैं अपने किचन में से आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ चिकन टिक्का की रेसिपी। इससे पहले कि हम रेसिपी शुरू करें, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो वीडियो आखिर तक देखें और सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलें। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें चिकन टिक्का बनाने के लिए एक बाउल लेना है। इसके ऊपर हम एक स्ट्रेनर को प्लेस करेंगे और उसके ऊपर हम डालेंगे मसलिन क्लॉथ या फिर कोई भी कॉटन का कपड़ा हो, आपको उसके ऊपर प्लेस करना है इस तरीके से। और अब हम इसके ऊपर डालेंगे 400 ग्राम दही। हम ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें इसे हंकर्ड बनाना है, हमें सारा दही इस पे डालना है और दही कपड़े के थ्रू इसका सारा पानी ड्रेन हो जाएगा। अब दोनों जो छोर है कपड़े के, वो दोनों को पकड़ना है और आपको इस तरीके से गांठ मारनी है ताकि जो हमारा पानी है वो अच्छी तरीके से ड्रेन हो जाए। और एक कोई भी हैवी वेसल या फिर कोई कांच की चीज़ हो या कोई भी मेटल की चीज़ हो, आपको उसके ऊपर प्लेस कर देना है ताकि उसका पानी ड्रिप बाय ड्रिप होते हुए पानी ड्रेन आउट हो जाए। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं पानी कितनी आसानी से ड्रेन हो रहा है। तो चलिए, जब तक हमारा पानी कर्ड का ड्रेन हो रहा है, हम आगे का शुरू करते हैं। हमें लेना है चिकन। यह है 1 kg चिकन, बोनलेस चिकन है। इसको मैंने अच्छे से धो लिया है और इसको मैंने पैक ड्राई कर लिया है। अब जैसे मैं आपको बता रही हूँ बिल्कुल वैसे ही आपको चिकन के पीसेस बनाने हैं। पहले नीचे का जो हिस्सा है उसको काट कर अलग कर देना है, बिल्कुल 1 से 1.5 इंच ही जितना बड़ा हो। और फिर बीच में से ऐसे स्लिट करते हुए आपको ब्रेस्ट के 2 पीसेस में डिवाइड कर लेना है। और फिर हमें चिकन के जो क्यूब्स है इस तरीके से काटने हैं, एकदम मीडियम और स्क्वायर शेप में। धीरे धीरे हमें सारी चिकन को इसी तरीके से काट लेना है। अब हमारे क्यूब्स रेडी है, जैसे कि आप देख रहे हैं। अब ये हम सारा चिकन एक बाउल में ट्रांसफ़र कर देंगे। उसके अंदर हम ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट, 1 चम्मच फुल कश्मीरी मिर्च पाउडर डालना है, फिर इसके अंदर जाएगा 2 टेबलस्पून ऑयल। आप सरसों का तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मैंने रिफाइंड तेल इस्तेमाल किया है, और नमक स्वाद अनुसार। अब इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि जितने भी इंग्रेडिएंट्स हमने इसके अंदर डाले हैं वो अच्छी तरीके से इसमें एब्जॉर्ब हो जाए। और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे फूड कलर, जो है ऑरेंज रेड कलर, यानी कि तंदूरी कलर है, तंदूरी चिकन का कलर। हम इसको भी अच्छे से इसमें मैरिनेट करेंगे ताकि इसमें अच्छा सा तंदूरी लुक आए। और अब हम ये मैरिनेशन को एटलीस्ट 30 मिनट्स तक के साइड में रख देंगे। ये हमारा फर्स्ट मैरिनेशन था। अब जब तक कि हमारा कर्ड ड्रेन हो रहा था, अब हम उसे चेक कर लेते हैं। देख लीजिए कितना सारा पानी ड्रेन आउट हो गया है। देखिए हमारा जो कर्ड है वो कितना क्रीमी और कितना स्मूथ कंसिस्टेंसी का बन गया है। ये जो बचा हुआ पानी है इसे हम डिस्कार्ड कर देंगे। अगर ये पानी उसमें रह जाता तो हमारा चिकन बहुत ही ज़्यादा वाटरी हो जाएगा। तब तक कि हम सेकेंड मैरिनेशन स्टार्ट करते हैं। हमें एक पैन लेना है, उसके अंदर 2 टेबलस्पून ऑयल को गरम करना है। जैसे ही ऑयल गरम हो जाएगा, 1 टेबलस्पून हमें उसमें अंदर बेसन का पाउडर ऐड कर देना है और उसे लो, एकदम लो फ्लेम पर उसे कंटिन्यूसली हिलाते रहना है ताकि हमारा जो बेसन है वो जले ना। अब हम उसके अंदर 1 टीस्पून कश्मीरी मिर्च पाउडर ऐड करेंगे ताकि उसे एक अच्छा सा ब्यूटीफुल कलर आ जाए। और हम इसे मिक्स करेंगे तकरीबन 1 मिनट के लिए। और
देखिए कितना अच्छा सा गोल्डन ऑरेंज रेड कलर आ चुका है इसके अंदर। और जो हमारा चिकन फर्स्ट मैरिनेशन में मैरिनेट हो रहा था, अब हम ये सारा मिक्सचर उसके ऊपर पोर कर देंगे। अब हम ऐड करेंगे इसके अंदर हमारा हंकर्ड, मतलब कि जो हमारा दही था वो, और हम इसे स्पून की हेल्प से मिक्स करेंगे क्योंकि जो हमारा मिक्सचर है बेसन वाला वो अभी काफ़ी गर्म है। देखिए हमारा मैरिनेशन कितना अच्छी तरीके से ब्लेंड हो गया है और पूरे चिकन पे कितनी अच्छी तरीके से कोट हो चुका है। अब हम इसके अंदर कुछ ड्राई मसाले ऐड करेंगे। पहले तो हम डालेंगे 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला, 1/2 चम्मच काले मिर्च, कसूरी मेथी को थोड़ा सा क्रश कर लेना है ये 1.5 चम्मच है, और 1/2 चम्मच चाट मसाला। ये सारी चीज़ें हम ये चिकन के ऊपर डाल देंगे और इसे हम अच्छे से हाथों से मिक्स कर लेंगे। अब हमें इसे एक स्मोकी फ्लेवर देना है, तो हमें कोल को प्लेस करना है फायर के ऊपर और अच्छी तरीके से इसे जलने देना है। जब ये अच्छे से लाल जल जाए, अच्छी तरीके से बर्न हो जाए, तो हमें इस छोटे से बाउल को प्लेस करना है चिकन के ऊपर बीच में, और ये पूरे कोल को उसके अंदर डालना है, और उसके ऊपर से थोड़ा सा बटर या फिर आप घी ऐड कर सकते हो, और 1 घंटे के लिए इसे हमें मैरिनेशन के लिए छोड़ देना है। अभी हमारा जो चिकन है बहुत अच्छे तरीके से 1 घंटे तक मैरिनेट हो चुका है, इसके अंदर सारा स्मोकी फ्लेवर एब्जॉर्ब हो चुका है। अब हम इसे कढ़ाई के अंदर प्लेस करते जाएंगे। 1/2 चम्मच मैंने इसके अंदर ऑयल ऐड किया है, अगर आप नहीं भी डालेंगे तब भी चलेगा। हमें ज़्यादा से ज़्यादा चिकन के पीसेस इसके अंदर डालने हैं और कवर करके 5 मिनट तक के लो फ्लेम पर पकाना है। 5 मिनट हो गए हैं, अब हम इसे खोल कर देखते हैं। तो देखिए हमारा चिकन काफ़ी अच्छी तरीके से पक चुका है एक साइड से। मैं अभी आपको फ्लिप करके दिखाती हूँ। देखिए कितना अच्छा सा गोल्डन कलर आ चुका है इसके ऊपर। हमें सारी चिकन को इसी तरीके से फ्लिप करना है। देखिए हमें बहुत अच्छा सा इसके ऊपर क्रस्ट आ गया है बेसन का। तो अब हम इसको ऐसी तरीके से दोनों बैच को बराबर इसी तरीके से हमें एक बैच को पहले कवर करके निकाल लेना है, फिर सेकंड बैच को भी इसी तरीके से हमें निकाल लेना है। अब हम इसके अंदर 1/2 कप जितना बटर को मेल्ट करके चिकन पे डाल देंगे और इसे अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे, ताकि जब हम इसे गैस के ऊपर या मतलब जो फायर के ऊपर प्लेस करेंगे तो ये बहुत ही जूसी और टेंडर बनेगा। ये स्क्यूअर्स है, अगर आपके पास में ये स्टील वाली स्क्यूअर्स नहीं है तो आप वुडन की स्क्यूअर्स भी यूज़ कर सकते हैं। एक एक करके आपको चिकन को इस तरीके से इसके अंदर प्लेस करते जाना है, और ध्यान दीजिएगा कि बीच में थोड़ा गैप हो, ताकि जब आप इसको फ्लेम के ऊपर आगे पीछे करेंगे तो इसके ऊपर इवन क्रस्ट आएगा। अभी हमारे स्क्यूअर्स में सारा चिकन लग चुका है। अभी हमें गैस के ऊपर एक फॉइल को प्लेस करना है, ताकि जब आप चिकन को उसके ऊपर मूव करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा स्प्लैटर होता है, तो फॉइल लगे रहने की वजह से आपका जो किचन है, किचन स्टोव है, गैस स्टोव, वो ज़्यादा मैसी नहीं होगा। और इसे इसी तरीके से मूव करते रहिएगा आगे पीछे, ताकि इवनली ये सब चिकन के ऊपर क्रस्ट अच्छे से आ जाए। तो देखिए हमारा कितना चिकन टिक्का कबाब रेडी है, बहुत ही यम्मी, जूसी, सॉफ्ट और डिलीशियस होते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ इजी लगती है और झटपट बनने वाली लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को एंड तक ज़रूर देखें। डू गिव अ ट्राई और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।